क्रेडल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो ये कार्यक्रम चल रहा है अशोका रेसिडेंसी में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो बहुत सारी फार्मा कंपनियों की तरफ से चलता है। मैम प्लीज प्लीज आइए। बहुत सारी फार्मा कंपनियों की तरफ से चलता है और ये हमारा एसोसिएशन ऑफ सिवान ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी अभी न्यूली फॉर्म, बहुत बच्चा सा है, फॉर्म हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत दूर तक आगे जाएंगे और इसको बहुत बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा जज्बा है। लेकिन ज़रूरी नहीं, लेकिन हम लोग इसी क्रम के मद्देनजर हम लोग बाहर से स्पीकर बुलाते हैं और ये दो मिनट मैम को इंट्रोड्यूस करना, तो वो हमारी प्रेसिडेंट है मैम। जर हम लोग हर बार हर महीने कुछ प्रोग्राम करते हैं, बाहर से स्पीकर बुलाते हैं। इस बार डॉक्टर पूजा पटना से आई हैं, ये फीटल मेडिसिन की सिवा पूरे बिहार की सिंगल ये डॉक्टर हैं और जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो हम लोग जनरली दिल्ली और बॉम्बे या फिर आगरा या फिर न्यू दिल्ली में या लखनऊ हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो अब ये फीटल मेडिसिन सेंटर से आ गई हैं, तो अब ये ले अब हम लोग इनके पास भेज सकते हैं, पटना में भी सुविधा हो गया है। हाँ तो मैम, डॉक्टर संगीता चौधरी जी बतला रही हैं इस कार्यक्रम के बारे में और आप जो है पटना से आप यहाँ पधारी हुई हैं, सिवान आपका आगमन हुआ है, यहाँ आने के बाद आपने क्या कुछ देखा इस कार्यक्रम को लेकर के, कुछ अपना फीलिंग्स वगैरह भी बताएंगे? एक्चुअली मुझे डॉक्टर संगीता मैडम ने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पे, दिस इज मैं आज फर्स्ट टाइम सिवान आई हूँ, बट मैडम इतनी फ्रेंडली हैं, उन्होंने मुझे, हम लोग छपड़ा में मिले थे और उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट इनवाइट किया, बोले कि नहीं पूजा आके तुम यहाँ पे भी लोगों को बताओ, डॉक्टर्स को बताओ, क्योंकि डॉक्टर्स को मुझे अवेयर करना है जो जनरल गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि सारे हाई रिस्क पेशेंट उन लोगों के पास ही आते हैं, तो पटना से तो रेफरल पेशेंट्स आते ही हैं मेरे पास, बट मेरा है कि मुझे पूरा बिहार को कवर करना है, जो भी पेरीफेरी है, जो छोटे बड़े ऑल द टाउन्स को मुझे कवर करना है। तो ऐसे ही मैं हर संडे CME ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड जो डॉक्टर होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं उन लोगों को मैं ढूंढती हूँ मैडम को, एंड दे अरेंज करते हैं वो लोग बाकी डॉक्टर्स को बुलाने में, एंड बाकी अरेंजमेंट मेरा रहता है। तो मेरा यही है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कुछ भी आते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरा रेफरल सेंटर है, इट्स अ काइंड ऑफ टर्शियरी सेंटर, वहाँ पे एमनियोसेंटेसिस, CVS, फीटल रिडक्शंस, ये सब मैं अपने सेंटर पे मैं कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है स्टार्ट किए हुए, मेरे पास हाई एंड मशीन है। पहले पेशेंट जाते थे लखनऊ, क्योंकि लखनऊ यहाँ से जस्ट पास है मुझे लगता है, डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान के पास, कोलकाता जाते थे पेशेंट, दिल्ली जाते थे, बट पेशेंट लोग अब पूरे बिहार से मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। और कल ही एक अंडमान निकोबार आइलैंड से डॉक्टर ने एक फ़ोन किया था मुझे फॉर फीटल रिडक्शन, तो लाइक दिस पेशेंट लोग और डॉक्टर लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। हाँ मैम, डॉक्टर संगीता चौधरी द रिनाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन सिवान डिस्ट्रिक्ट, इन सच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ऑलवेज ही ट्राई टू परफॉर्म वेरी वेल एंड वी आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर लिसनिंग एवरीथिंग सिवाज एक्सप्लेनिंग अबाउट क्रेडल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम टूडे। योर फर्स्ट मीटिंग विथ डॉक्टर संगीता चौधरी इन छपरा, वाट वॉज योर फर्स्ट फीलिंग विथ कम्युनिकेटिंग एंड कॉन्टेक्ट? When I met madam for the first time in Chhapra, I was really astonished the level of knowledge she was having. She was asking so many questions, but really I answered them and I loved answering those questions. And she was so much updated, so I just was fan of hers. आप जैसे डॉक्टरों की जो आवाज़ है वो समाज तक पहुँचनी चाहिए ताकि समाज में नई चेतना पैदा हो, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मैम सिर्फ जो है मेडिसिन प्रेस्क्राइब तक ही सीमित हैं और हम लोग देखते हैं कि सोशल अवेयरनेस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों का जो संदेश है समाज के जन जन तक जाना चाहिए, और ऐसे में डॉक्टर संगीता चौधरी हमेशा सक्रिय रहती हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी देखती हैं, और आपने कहा कि ये बहुत ही मतलब जो है हम इनसे एस्टोनिश्ड हुए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं बोल पाते हैं हालांकि वो क्लिनिक तक सीमित रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो लोग आ जाएं? मतलब सबको ओपन होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स तो उन्हीं के पास है, जो भी जाते हैं चाहे लो रिस्क पेशेंट हो या हाई रिस्क पेशेंट हो, जो भी लीडिंग डॉक्टर है, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी मेरा तो कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट ही है एंड कुछ पेडियाट्रिशियन लोग हैं जिन लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस जाते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी प्लीज़ आप आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें ऐसे प्रोग्राम में जैसे मैडम जहाँ करवाती हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ एंड पार्टिसिपेट करें। मैम अभी जो है मैडम जो यहाँ तशरीफ लाई हुई हैं, इन्होंने कहा कि मैं आपका जो मतलब काम करने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग है और बहुत ही मतलब इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं, तो इतनी जो मतलब चुस्ती फुर्ती और हम देखते हैं कि गजब का जो आपका स्टेमिना है, काम करती हैं थकती नहीं है, इस तरह का मतलब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप ही लोगों से मिलती है, हमारे जो इतने गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो
इतने सब जमा होते हैं, इसी बहाने हम लोगों की एक मीटिंग होती है, किसी किसी बीमारी पर डिस्कशन भी होती है। जैसे एक तो बाहर के गेस्ट स्पीकर हम लोगों ने बुलाया, तो एक लोकल स्पीकर भी हम लोगों ने बुलाया, जैसे डॉक्टर सत्या लोकल स्पीकर है, तो इन्होंने ओवेरियन सिस्ट के बारे में बोला, जो एक बीमारी है जिसको अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, तो किस तरह से कौन सा पेशेंट कैंसर का होता है नहीं होता है उसी के बारे में उन्होंने कुछ बताया है, और बाकी सब वो बताएंगे थोड़ा, उनसे भी बात। सर संगीता मैम बता रही हैं कि आप कुछ